ओम शांति। 14/6/2020 की अव्यक्त मुरली, रिवाइज 22/1/86। बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। आज विशेष दूर देशवासी, दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं, इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी है, धरा भी है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेश विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल से मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठ भी स्नेह के कारण समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियां तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने की समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। जो सुना सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाने चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो, जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है। बेहद के सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी? अभी लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है। बेहद की तरफ दृष्टि रखो। बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े ही समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्याधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी, हमारे देवात्माएं आ गए। अभी यह बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे, तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। समझा? अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवताओं आत्माओं को सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस, माइट हाउस विशेष आत्माओं को, बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देश विदेश के सभी बच्चों के प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दी। चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं और यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है, कुछ करके दिखाएं, यह करें, ऐसा करें, यह उमंग है, तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसलिए उड़ती कला की रेस करो।
याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, चार ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह विशेष वर्ष है और विशेष चांस है। यह विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना, तो यह नवीनता करके नंबर ले सकते हो। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, समय एक्स्ट्रा मिला है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। जहां दिल है वहां धन आ ही जाता है। दिल धन को कहां ना कहां से लाता है, इसलिए दिल है और धन नहीं, यह बाप दादा नहीं मानते। दिल वालों को किसी ना किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुणा लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एजेड है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एजेड बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन उसके लिए क्या प्लान बनाया? यह तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, यह करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान बनाने वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है, यह इमर्ज होता है। या समझते हो कि यह तो जिनका काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है। नाम ही है विश्व कल्याणकारी, फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है? बेहद के मालिक बनने हैं ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है ना। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहाँ ही यह प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो, जब भी कोई ऐसा चांस बनता उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया। कहने में दृढ़ संकल्प आता है, लेकिन होता है संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते ऐसे ही है कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसा ही है, एक दो को वैसा ही देखते, मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते उतना नहीं होता, वह कैसे हो? इसके लिए जो ओटे सो अर्जुन, एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता ही है। तो इतने सभी इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स के भी होते हैं। प्रैक्टिकल के भी होते हैं तो जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही, अभी नया क्या करेंगे। इसके लिए विशेष अटेंशन, हर कर्म करने से पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनाना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है।
दोनों होता है, तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना। अभी यह एक रीति हो गई, यह भी करते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलता ही है। तो यह संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी, और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वह मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड, जब एक इतना छोटा सा एटम बॉम्ब भी कमाल कर दिखाता है तो यह इतने आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है, और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो, जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियां दादियां जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न हैं तो भी और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं, संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन जाता है। अच्छा यह भी हो जाएगा, सेवा एक है लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है, यही तो हद निकलनी है ना। इसके लिए सोचा ना तो सबको चेंज करें, एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर में जाने चाहिए, सभी तैयार हों, ऑर्डर निकलेगा, आपका तो हैंड्स अप है ना, बदलने में फायदा भी है। इस वर्ष यह नई बात करें ना, नष्ट मोहा तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है, त्याग ही भाग्य है, तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है। ऑफर करने वालों को आफरीन मिल जाती है तो सभी बहादुर हों। बदली वाना बदली, कोई को भी कर सकते हैं, हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा तो इस वर्ष यह नवीनता करेंगे, पसंद है ना, जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा सदा श्रेष्ठ भाग्य है, और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा, समझा। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो, ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है, याद में रहना, ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की, नहीं दोनों इकट्ठे हों। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो सेवा अलग करो, इसलिए याद और सेवा साथ साथ हैं ही। इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा वरदान, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर, दुख हरता सुख करता भाव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ, अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो
उन्हें महादान और वरदान दो, खुद फैसिलिटीज सुविधाएं ना लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। ओम शांति।